डॉक्टर कुमार विश्वास एक प्रतिभाशाली और भाग्यशाली कवि हैं, लेकिन मेरे छोटे भाई हैं, जैसे विभीषण रावण का छोटा भाई रावण को उसी ने निपटाया, सुग्रीव बाली का छोटा भाई था, बाली को उसी ने निपटाया, प्रवीण महाजन प्रमोद महाजन का छोटा भाई था, लेकिन ये मेरा सगा छोटा भाई नहीं है, ये केजरीवाल का सगा छोटा भाई। जब निपटाना होगा केजरीवाल को ही निपटाएगा। मेरी सुंदरता की बात कर रहे हैं, दरअसल ये मेरी सुंदरता से जलता है। माधुरी दीक्षित ने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा, बाई गॉड। अच्छा। हाँ, मैंने नहीं कह दिया। हाँ। क्योंकि मेरा उस समय किसी और से चल रहा था। अच्छा। इनको पता नहीं है, मैं सही बात बताता हूँ, भगवान कृष्ण के हाथ से रोटी कौन छीन के ले गया, कौआ ले गया, काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ से ले गए माखन रोटी, कौआ ले गया, कबूतर नहीं ले गया, वो तो खाली लव लेटर ही पहुंचाते रहा। कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरे को दिया। ये मेरी सुंदरता से जलता है। मैं बताना चाहता हूँ, मैं रामलीला में 10 साल पाठ किया हूँ, मैं 6 साल राम बना हूँ, 2 साल लक्ष्मण, एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं 2 साल सीता भी बना हूँ। सीता हरण के दिन रावण आया, जब मुझको देखा तो अपना आइडिया ड्रॉप कर दिया। मैं बोला इतना फ्यूल जला है, खाली पुष्पक क्यों ले जा रहे, ले जा लो मेरे कोई, पर वो नहीं ले गया। हम दुबई में कवि सम्मेलन कर रहे थे, ग्रैंड दुबई होटल के सामने खड़े थे, एक लड़की आई इन सबको छोड़ के डायरेक्ट मेरे पास। अच्छा। माइक की कसम खा के बोल रहा हूँ, और आके बोली यू आर माई लव। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस बोली आई बिलोंग टू अफ्रीका एंड यू आर। मैं समझ गया लड़की कलर के धोखे में आई है, कुंडली मिला के तो बहुत देखा था, कलर मिला के तो पहली बार देख रहा हूं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि काले कोयले में काला तवा रख कर जब सफेद रोटी बनती है तो उसको खाने के बाद कुमार के मुंह से कविता निकलती है। दुनिया में लाखों लोग हैं जिनकी जिंदगी महज खुदगर्जी में गुजर जाती है, मुझे तो फक्र है ये काया कम से कम राजकोट में हंसाने के काम तो। क्या बात दुर्गा जी, वाह। लादेन मरा, हम बहुत टेंशन में आ गए, लादेन मरा कैसे। हाँ। हमने फोन लगाया कुमार जी को कि लादेन मरा कैसे, बोले बराक ओबामा के पास सैटेलाइट है, वो अमेरिका में बैठे बैठे देख सकता है किस देश के, किस शहर के, किस गांव के, किस घर के, किस कमरे में कौन आदमी का कर रहा है। तब से ना मैं नहा सक रहा हूं, ना सो सक रहा हूं, यहां स्नान करे गरीब सुदामा और वहां हुस्न का दीदार करे ओबामा। मारी कविता केम थया, तुमने लोगों ने गमी की नथी। राजकोट की एक बात खास है, यहाँ का आदमी एकदम सरस है, इसलिए झकास है। एक ने अपने बेटे से, मैंने एक से पूछा आपका बेटा तुतलाता है क्या, बोले हमेशा नहीं तुतलाता है। अच्छा। बोलता है तब तुतलाता है। जबरदस्त आत्मविश्वास है, इसीलिए राजकोट का आदमी एकदम झकास है। अच्छा, बहुत दिमाग वाला है। अभी उस दिन मैं मिल आया था राजकोट दूसरे काम से, एक विद्वान मिल गया, मैं बोला भाई यूक्रेन रूस की लड़ाई चल रही है, कोई ट्रिक बता जिससे यूक्रेन जीत जाए, बोले मैं भाई सही तरीका बताता हूँ, सही गुजराती हूँ, राजकोट का हूँ, हेयर एंड शोल्डर शैम्पू को बाल्टी में घोलो, टैंक में डालो और रूस के ऊपर छिड़को। मैं बोला इससे क्या होगा, बोले रूस ही मरती है ना। ये जबरदस्त आत्मविश्वास है, इसीलिए राजकोट का आदमी एकदम एकदम झकास। अभी लगातार ठंड पड़ी, कई बेमौसम की ठंड, तो फिर सपड़ा गया,
मैं बोला, वो मेरे से पूछा कि आप जानते हो ठंड क्यों पड़ रही है? मैं बोला नहीं मालूम। बोले मोदी के कारण। अच्छा। बोला मोदी के कारण क्यों ठंड पड़ेगी? बोले वो कश्मीर को भारत में मिला दिया है ना। जबरदस्त आत्मविश्वास है, इसीलिए राजकोट का आदमी एकदम एकदम कार्यक्रम को देते हैं गति। और आइए खेलते हैं कार्यक्रम, कौन बनेगा करोड़पति। 1000 के लिए ये रहा सवाल आपके टीवी स्क्रीन पे। हाँ। दारू पीने के बाद सबसे ज्यादा कौन चीज जरूरी है? ए गुलाब जामुन, बी रसगुल्ला, सी पेड़ा, डी प्याज कांदो। प्याज। कंप्यूटर जी प्याज को लॉक किया जाए, आप जीत गए 1000। और 5000 के लिए ये रहा सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पे। दारू पिए सड़क किनारे आदमी के पास सबसे पहले कौन जानवर जाता है? ए गाय, बी बकरी, सी बैला, डी कुत्रो। कुत्रो सबसे पहले जाता है, कुत्रो वही देखता है टुकरो टुकरो, फिर कम दबाव का क्षेत्र बनाता है, गरज के साथ छींके। और मोहल्ले वाले बोलते हैं सही नहीं सकते तो इतना क्यों पीते। आप जीत गए 5000। 10000 के लिए ये रहा सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पे। विपाशा बसु जो गमछा पहनती है, टॉवेल लपेटती है, उसकी लंबाई कितनी है? 1 मीटर, 75 सेंटीमीटर के 50 सेंटीमीटर? जी 50 सेंटीमीटर। कंप्यूटर जी 50 सेंटीमीटर को लॉक किया जाए। अरे जल्दी लॉक कर, नहीं तो और कम हो जाएगा। ताली बजाओ, सांस लेना है। जो लड़कियां अपनी किताबों में आमिर और सलमान के फोटो दबाती हैं, उन्हीं लड़कियों की शादी अक्सर जेठालाल से हो जाती है। इंडियन एयरलाइंस के पायलट ने एयर होस्टेस को छेड़ा। अच्छा। 3-4 साल पहले एक समाचार आया था, आप लोगों ने टीवी में अखबार में पढ़ा होगा। इंडियन एयरलाइंस के पायलट ने एयर होस्टेस को छेड़ा, तो मैंने पायलट को दिल्ली में घेरा। हम पैसेंजर हैं। हाँ। टिकट हम कटाते हैं और सुविधाओं का लाभ आप उठाएंगे। सांस लेना है माइक, तो हम सुविधा लेने कहां जाएंगे? कविता के लिए कठिन शब्द नहीं लगते हैं, जैसे बच्चों के नर्सरी केजी में पाठ होते हैं, अमर घर चल चल अमर घर चल, ऐसे पाठ होते हैं, मात्राएं नहीं होती। नेता चल। अच्छा। दिल्ली चल, पटना चल, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा। वाह, बहुत अच्छा। वापस आ, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, पाठ दो, लालू उठ, चारा खा, दूध दे, दूध गरम कर, गरम कर, रबड़ी बना, दूध गरम कर, रबड़ी बना, रबड़ी रख कुर्सी पर, जेल जा। वापस आ, रबड़ी हटा, बैठ जा कुर्सी पर। हिंदी की क्लास थी, टीचर एकदम उदास थी, हिंदी की क्लास थी, टीचर एकदम उदास थी, पति से लड़कर आई, अब काहे की पढ़ाई? बच्चों ने कहा टीचर पढ़ाओ, टीचर पढ़ाओ, टीचर ने कहा दिमाग मत खाओ, कल गाय पे निबंध लिखवाए ना जाओ, पति पर निबंध लिख कर लाओ। बच्चों ने लिखा, पति एक दयनीय पालतू प्राणी। पति एक दयनीय पालतू प्राणी है जिसे हम मनुष्य भी कह सकते हैं। शादी के पहले पति सामान्यतः मनुष्य ही होता है। पति की दो आंखें होती हैं जिनसे वो अल्टरनेट देखता है। अल्टरनेट पति के प्रकार, राजकोट में पति के दो प्रकार पाए जाते हैं, एक जोरू का गुलाम, दूसरा जोरू का बादशाह। जोरू का गुलाम ये सस्ती सुंदर और टिकाऊ नस्ल है। ये बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। सांस लेना है। बहुत अच्छी बात।